मैं भी चाहता हूँ कि वही राजनीति करें, पर मैं चाहता हूँ कि ऐसी राजनीति करें जैसा मैंने एक साल में किया। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप जीते और जीतने के बाद चार साल में एक बैठक न कर पाएं आजमगढ़ में। ऐसी राजनीति आजमगढ़ को नहीं चाहिए, आजमगढ़ को ऐसी नाचने वाली राजनीति चाहिए कि नाच भी लेता हूँ आजमगढ़ में रह के, पाँचों विधानसभा में पांच फिल्म बना के नाच भी लिया और 50 साल में जो काम नहीं आया वो आजमगढ़ में ला भी दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य आए कि अंधे के हाथ बटेर लग गया, अब आगे नहीं लगेगा चौधरी। कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि जिस तरह से जो सच है वो सबके सामने है। अभी ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ आ चुके हैं तो 1 लाख तो ऐसे ही बढ़ा देंगे, तो भाई आप कर लीजिए, जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा धरातल पे क्या है। मुझे लगता है कि पूरे आजमगढ़ की तरफ से आज हम लोग अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं पूजनीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय रेल मंत्री जी के लिए कि 33 करोड़ 60 लाख रुपया उन्होंने आजमगढ़ को दिया है और उससे आजमगढ़ के जो रेलवे स्टेशन है उसका आधुनिकीकरण होगा, लिफ्ट लगेगी, यहाँ पे स्वचालित सीढ़ियाँ बनेंगी और जो पुल है वो पुल बनेगा। इसके अलावा हमारा जो स्टेशन है वो ऐसा भव्य और दिव्य बनेगा कि हमारे आजमगढ़ की एक पहचान है और हर स्टेशन अपने ज़िले की पहचान होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो उपहार आजमगढ़ को मिला है उसके लिए पूरे आजमगढ़ की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। एयरपोर्ट तो नहीं बन पाया लेकिन एयरपोर्ट जैसी सुविधा रेलवे मिलेगी, यहाँ मिलेगी और एयरपोर्ट बनेगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ आजमगढ़ की जनता को कि इस विषय पे हमारी अभी बैठक हुई, हम लोगों ने बैठक किया तो हमारे जो किसान भाई हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करते हुए, वो जो चाहते हैं उनकी मांग का भी सम्मान करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा और यहाँ से दुबई के लिए, यहाँ से मुंबई के लिए, यहाँ से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू होगी और बहुत जल्द होगा, साफ हो जाएगा यूपी में। मुझे लगता है कि नाम बदलने से काम नहीं बदलता है, नीयत नहीं बदलती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी को जो नीयत है वो पूरा देश दुनिया देख रही है और ये लोग जिस नीयत से इकट्ठा हो रहे हैं उसको भी देश देख रहा है। तो ये देश लुटेरों को एक साथ जुट के नाम बदल लेने से कभी नहीं चुनने वाला है, ये देश प्रधानमंत्री जी के साथ है, साथ रहेगा और आप देखेंगे कि 2047 तक मेरा देश विकसित बनेगा। 24 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, इसमें कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है, एकदम 100% बनेंगे, क्योंकि जिस तरह का काम वो किए हैं और कर रहे हैं लगातार, पूरा देश यही चाहता है कि मेरा देश ऐसे ही आगे बढ़े और 2047 तक विकसित भारत बन जाए, इसी ओर हमको काम करना है। ठीक, थैंक यू, बहुत धन्यवाद।